नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए रेड वेलवेट केक की रेसिपी लेके आई हूँ। इस केक को हम बिना अंडा यानी कि एगलेस बनाएंगे और साथ ही हम इसे बिना अवन के इसे हम कढ़ाई में बनाएंगे। और जो हमने इसमें क्रीम चीज़ का यूज़ किया है वो होममेड है, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। ज़रूर से आप इस रेड वेलवेट केक को एक बार घर पर बनाइए, आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। रेड वेलवेट केक के लिए सबसे पहले हम केक का एक स्पॉन्ज तैयार कर लेंगे। केक स्पॉन्ज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक छन्नी में 1 कप मैदा ले लिया है। अगर हम ग्राम्स में देखें तो ये 125 ग्राम के जितना मैदा है, इसे हम छान कर ले लेंगे। और इसी के साथ हम यहाँ पर इसमें डालेंगे 1/4 यानी कि 1/4 कप यहाँ पर मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें 1 टीस्पून डाल देंगे यहाँ पर ये बेकिंग पाउडर। और बेकिंग सोडा हम बाद में यूज़ करेंगे, तो मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाल दिया है 1 टीस्पून। इसी के साथ इसमें हम 1/2 टीस्पून डाल देंगे यहाँ पर कोको पाउडर। कोको पाउडर आप बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें यहाँ पर, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कोको पाउडर आप यूज़ करेंगे तो आपका जो केक है वो थोड़ा सा ब्राउनिश शेड में बनेगा। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को अच्छे से अब यहाँ पर छान लेंगे। तो अगर आप देखें तो हमारा ये ड्राई इंग्रेडिएंट का मिक्स बनकर तैयार हो गया है। इसे मैंने अच्छे से छान लिया है। अब हम बना लेते हैं वेट इंग्रेडिएंट का मिक्सचर। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बर्तन में हम 1/4 कप ऑयल ले लेंगे। ऑयल जो आप यूज़ करें वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल का नहीं होना चाहिए। इसी के साथ हम इसमें 1/2 कप यहाँ पर डाल देंगे पाउडर चीनी। नॉर्मल चीनी को मिक्सिंग जार में डालकर मैंने पीस लिया है। अच्छे से हम यहाँ पर पाउडर चीनी और यहाँ पर जो हमने ऑयल डाला है उसे मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे यहाँ पर दूध। तो दूध हमें जो यूज़ करना है वो 3/4 कप लिया है मैंने। दूध हमेशा आप रूम टेम्परेचर वाला ही यूज़ कीजिए, बहुत गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा यूज़ नहीं करना है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें अब हम आधी छोटी चम्मच डाल देंगे वनीला एसेंस। अगर आप चाहें तो डालें या इसके बिना भी इस केक को बना सकते हैं। इसी के साथ इसमें हम अब डाल देंगे रेड कलर का फूड कलर। तो मैंने यहाँ पे ये जेल फूड कलर का यूज़ किया है, तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 ड्रॉप डाल दिए हैं रेड फूड कलर के। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पर इस मिक्स में हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के रखा था इसे भी हम डाल देंगे। पूरा एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल के इस तरीके से आप इसे मिक्स कर लीजिए। और बिल्कुल यहाँ पर हमें इसमें बिल्कुल भी लम्ब्स नहीं रहने चाहिए। इस तरीके से हमें इसे मिक्स करना है और बिल्कुल बढ़िया सा एक बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। तो बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, रिबिन कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए। अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे। बेकिंग सोडा के साथ ही हम इसमें आधी छोटी चम्मच नींबू का रस भी डाल देंगे। इस तरीके से अगर हम केक का स्पॉन्ज बनाते हैं तो केक का जो स्पॉन्ज है काफ़ी वेलवेटी बनता है। नींबू के रस की जगह पर आप चाहें तो विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने 6 इंच का एक केक टिन ले लिया है, जिसे मैंने बटर पेपर लगा लिया है और अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब इस केक टिन में हमने ये जो सारा बैटर बनाया है केक का, इसे डाल देंगे। और केक टिन को हमें यहाँ पर अच्छे से 4 से 5 बार यहाँ पर टैप कर लेना है। इस तरीके से अच्छे से मैंने इसे टैप कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई को पहले से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छे से प्री हीट कर लिया है, जिसमें मैंने खाने वाला नॉर्मल नमक डाला है। इस नमक को आप बार बार बेकिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने इसमें एक वायर रिंग डाल दिया है। आप चाहें तो कोई भी रिंग या स्टैंड इसमें रख सकते हैं। छोटी सी कटोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम ये जो हमने केक टिन है इसे अच्छे से रख देंगे। और अब हम इसे कवर करके 35 से 40 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर बेक कर लेंगे। केक को बेक करने में थोड़ा सा कम या ज़्यादा टाइम लग सकता है, आपके गैस के ऊपर भी डिपेंड होता है। बिल्कुल लो फ्लेम पर ही आप इसे बेक कीजिए। तो लगभग यहाँ पर 40 मिनट हो गए हैं केक को बेक करते हुए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। इस तरीके से कोई भी टूथपिक या फिर नाइफ डालकर आप बीच में से देख लें। और बिल्कुल टूथपिक हमारा क्लीन निकला है, इसका मतलब यही हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है। केक को हम अब ढक कर रख देंगे कपड़े से, ताकि पूरी तरह से केक अच्छे से ठंडा हो जाए। उसके बाद हम इसकी आइसिंग करेंगे। आप इसे कपड़े से कवर करके ठंडा होने के लिए रख दें। केक के ठंडा होने के बाद मैंने यहाँ पे इसे लेयर्स में कट कर लिया है। और अगर आप देखें तो मैंने 3 लेयर मेन कट की है और एक ऊपर की एक पतली सी मैंने लेयर कट की थी, जिसका यूज़ हम केक को डेकोरेट करने के लिए करेंगे। इसके हम केक क्रम्स बना लेंगे। केक को प्रॉपर तरीके से लेयर्स में कैसे कट करें, इसका डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ ब्लैक फॉरेस्ट केक में शेयर किया है कि आप धागे से भी केक की लेयरिंग अच्छे से कट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 3/4 कप मैंने विपिंग क्रीम ले लिया है। नॉन डेयरी विपिंग क्रीम है, इसे हम अच्छे से यहाँ पर विप कर लेंगे। स्टेप 6 आने तक हमें क्रीम को यहाँ पर विप करना है। 4 से 5 मिनट लग गए और बहुत ही बढ़िया से अगर आप देखें तो क्रीम हमारी विप हो गई है, स्टफ एक सारी है, इसमें बहुत ही अच्छे से हमारी क्रीम विप हुई है। अगर आप चाहते हैं इसकी डिटेल रेसिपी देखना कि आप प्रॉपर तरीके से क्रीम को कैसे विप करें तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर हमने ये क्रीम 3/4 कप ही ली क्योंकि इसमें हम आगे क्रीम चीज़ मिक्स करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने ये क्रीम चीज़ ले लिया है। इस क्रीम चीज़ को हमने घर पर यानी कि होममेड ही है, जिसकी रेसिपी मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। क्रीम चीज़ को फ्रॉस्टिंग के यानी केक के लिए जब भी आप यूज़ करें तो उसे आधे से 1 घंटा पहले आप फ्रिज से बाहर निकाल के रखें। थोड़ी सी हल्की सी सॉफ्ट होगी तो आप इसकी अच्छे से केक की फ्रॉस्टिंग कर पाएंगे क्रीम चीज़ से। इस क्रीम चीज़ में से हम 150 ग्राम यहाँ पर क्रीम चीज़ निकाल लेंगे केक के लिए। यहाँ पर जो हमने क्रीम चीज़ बनाया वो 350 ग्राम है, लेकिन हम यहाँ पर ½ केजी का विद फ्रोस्टिंग केक बना रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ हमें 150 ग्राम क्रीम चीज़ चाहिए। अगर आप इस केक के लिए सिर्फ क्रीम चीज़ बनाना चाहते हैं तो आप आधे लीटर दूध में आधा कप फ्रेश मलाई डालकर भी क्रीम चीज़ को तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 150 ग्राम क्रीम चीज़ एक बर्तन में ले लिया है। इसमें अब हम 4 टेबल स्पून यहाँ पर डाल देंगे पाउडर चीनी। कप के हिसाब से देखिए तो ये लगभग 1/4 कप मैंने इसमें पाउडर चीनी डाला है। अच्छे से हम यहाँ पर चीनी और क्रीम चीज़ को मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर हैंड विक्स का यूज़ कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से पहले सॉफ्ट कर लें और क्रीम और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद हम इसमें इलेक्ट्रिक बीटर चलाकर इसे अच्छे से बिल्कुल यहाँ पर विप कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 मिनट के लिए इसे अच्छे से हैंड विक्स से पहले मिक्स कर लिया है और क्रीम और चीनी को मिक्स कर लिया। उसके बाद हम इसमें 1 मिनट के लिए अच्छे से इलेक्ट्रिक बीटर चला लेंगे ताकि जो हमारी क्रीम है बिल्कुल फ्लफी एकदम क्रीमी बन जाए। तो कुछ इस तरीके की अगर आप देखें तो हमारी क्रीम होनी चाहिए फ्रॉस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर ये जो क्रीम चीज़ है मैंने अच्छे से इसे यहाँ पर 1 से 2 मिनट के लिए इलेक्ट्रिक बीटर से विप कर लिया है। बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है, आप इसका देख पा रहे हैं। क्रीम चीज़ को आप 1 से 2 मिनट के लिए ज़रूर इस तरीके से विप कीजिए। अब यहाँ पर हमने जो यहाँ क्रीम को अच्छे से विप करके रखा है इसमें हम ये क्रीम चीज़ डाल देंगे। इस तरीके से क्रीम चीज़ को विप करके जब आप क्रीम में मिक्स करते हैं तो बहुत ही आसानी से ये मिक्स हो जाता है। तो अगर हम इसे अच्छे से हम पहले यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और फिर 10 से 15 सेकंड्स के लिए हम इलेक्ट्रिक बीटर चला लेंगे ताकि दोनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं, क्रीम चीज़ और क्रीम। ज़्यादा देर के लिए आपको बीटर का यूज़ नहीं करना है वरना जो क्रीम है वो हार्ड हो जाएगी और आप केक की फ्रॉस्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा एक क्रीम का मिक्सचर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम केक की आइसिंग कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक केक बोर्ड ले लिया है और इस पर हम थोड़ी सी इस तरीके से क्रीम लगा लेंगे और केक की एक लेयर को हम इसके ऊपर रख देंगे। और अब हमें केक को अच्छे से सोक करना है तो मैं यहाँ पे नॉर्मल पानी से केक को सोक कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो शुगर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए आधे कप पानी में आप 2 चम्मच चीनी डाल लें, अच्छे से उसे घोल लें और उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो चम्मच से भी इसे सोक कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हमने जो क्रीम तैयार की है इसे रख लेंगे। इस तरीके से हमें इसके ऊपर अच्छे से क्रीम की एक लेयर लगानी है। तो इस तरीके से हम अच्छे से क्रीम को स्प्रेड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा वाइट चॉकलेट भी ग्रेट करके डाल सकते हैं इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए। और इसके ऊपर फिर हम अब एक और लेयर रखेंगे केक की और इसे भी हम अच्छे से पानी से सोक कर लेंगे। पानी से सोक करना बहुत ज़रूरी है, इसी से आपका जो केक है वो बहुत सॉफ्ट बनेगा। अच्छे से हम इसके ऊपर भी क्रीम लगा लेंगे और क्रीम को अच्छे से इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है और साइड से भी हम इसे थोड़ा सा इस तरीके से क्रीम लगाते हुए इसे इस तरीके से स्मूथ कर लेंगे। और अब इसके ऊपर हम ये तीसरी जो हमारी केक की लेयर है उसे भी रख देंगे। इसे भी हम यहाँ पर पानी से अच्छे से पहले सोक कर लेंगे और फिर हम इसके ऊपर क्रीम लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी सी क्रीम का यूज़ कर कर पहले इसकी क्रम कोटिंग कर लें और उसके बाद फिर आप 10 से 15 मिनट उसे फ्रिज में रख दें। उसके बाद आप काफ़ी सारी क्रीम लगा कर इसकी फाइनल फिनिशिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आज इसकी क्रम कोटिंग नहीं कर रही हूँ। मैं डायरेक्टली इस पर थोड़ी सी क्रीम लगाकर इसकी फिनिशिंग कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम इसके साइड में भी क्रीम लगा लेंगे और इसे अच्छे से बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसके ऊपर क्रीम लगा ली है और जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम हो आप उसे इस तरीके से निकाल लें। फिर कोई भी आप स्क्रैपर या इस तरीके का कोई भी पुराना आपके पास कार्ड होगा उससे आप इसको अच्छे से यहाँ पर इस तरीके से फिनिशिंग कर लें। इससे जो भी एक्स्ट्रा क्रीम होगी वो निकल जाएगी और बिल्कुल स्मूथ सी आपको इस तरीके की फिनिशिंग मिल जाएगी। तो अगर आप देखें तो मैंने बहुत ज़्यादा क्रीम का आज यहाँ पर यूज़ नहीं किया है इसकी फाइनल फिनिशिंग के लिए। और इस तरीके से हम इसे ऊपर से भी अच्छे से स्मूथ कर लेंगे, जितना हो सके आप इसकी फिनिशिंग कर लें। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से यहाँ पर फिनिशिंग कर ली है इसकी। और यहाँ पर अब हमने जो केक के ऊपर की जो पहली ऊपर की एकदम पतली सी लेयर हमने निकाल के रखी थी उसे मैंने ग्राइंडिंग जार में डालकर इस तरीके से यहाँ पर केक के क्रम बना लिए हैं। इससे हम केक को डेकोरेट करेंगे। आप चाहें तो पूरे केक को इससे कवर कर सकते हैं या हम एकदम बहुत ही सिंपल सी आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं यहाँ पर केक के ऊपर। तो आज मैं इसके ऊपर बिल्कुल सिंपल सी बिना नोजल के इस पर डिज़ाइन बना रही हूँ। उसके लिए मैंने पाइपिंग बैग में जो हमने क्रीम तैयार की थी इसे मैंने डाल दिया है और उसे मैंने एक छोटा सा कट लगा लिया है। और इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसके ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं और इस तरीके से हम इसकी अच्छे से यहाँ पर डेकोरेट कर लेंगे केक को। आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए आप कैसे भी जैसे चाहें आप वैसे केक को डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे बिना नोजल की ये डिज़ाइन बना ली है और जो हमने केक के क्रम बना के रखे थे उसे हम यहाँ पर इस तरीके से साइड में लगा लेंगे। केक के क्रम लगाते टाइम आप ध्यान रखें बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से आप केक के क्रम्स को इस तरीके से केक पे लगाते जाएं। ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है दिखने में केक, और जो भी एक्स्ट्रा क्रम है उसे हम साइड से इस तरीके से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये केक को मैंने अच्छे से डेकोरेट कर लिया है और इसके ऊपर भी हम थोड़े से केक के जो क्रम्स हैं उसे लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये जो हमारा केक है ये दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो आपने देखा बहुत ही प्यारा बिल्कुल बहुत ही सुंदर सा हमारा यहाँ पर रेड वेलवेट केक बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर से आप लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेड वेलवेट जो आज हमने केक बनाया है ये एगलेस है और साथ ही हमने इसे बिना अवन के बनाया है और इसमें जो हमने क्रीम चीज़ यूज़ किया है वो भी हमने घर पे बनाया है। तो ये रेसिपी अगर आपको सच में अच्छी लगती है तो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह की और भी रेसिपीज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन होगा छोटू सा, उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।